हे एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपने वीएस कोड के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले tut48.html नाम से जो html की फाइल है वो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ html और यहाँ पे क्या लगाता हूँ, एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करके जो हमारी बॉयलर प्लेट कोड होती है वो लिख लेता हूँ। एंड टाइटल के अंदर लिख लेता हूँ यहाँ पे लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा लेता हूँ जिसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले देखते हैं कि हमारे लूप्स क्या होते हैं। लूप्स क्या करते हैं, हमारा जो भी कोड होता है हम लूप्स के अंदर लिखते हैं, हम उस कोड को मल्टीपल टाइम रन करने के लिए लूप्स यूज करते हैं। ठीक है, लूप से हम, अगर हमारा कोई कोड है उससे हम सेम वैल्यू या डिफरेंट वैल्यू भी प्रिंट करवाना चाहे वो हम लूप्स के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे मेनली 6 टाइप के लूप होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन आज हम बेसिक जो लूप्स है वो यूज करेंगे। उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं या फिर एरेज के लिए जो लूप्स यूज करते हैं वो लूप होते हैं हमारे फॉर इन एंड फॉर ऑफ, और उसके बाद हमारा एक लूप और होता है वो है फॉर इच। ठीक है, उनको हम आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हम जो तीन हमारे मेन लूप होते हैं वो देखेंगे। पहला हमारा फॉर लूप, सेकेंड व्हाइल लूप, एंड उसके बाद हमारा थर्ड है डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हमारे कौन कौन से लूप हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फोर लूप, उसके बाद आता हमारा वाहिल वाइट नी वाहिल लूप एंड डू वाहिल लूप। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल के अंदर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट, सेव करके अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करके इसको भी पेज को जो अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इस पेज को ओपन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखो कंसोल के अंदर प्रिंट होके आ गया लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमारा फोर लूप देखते हैं। फोर लूप का हमारा सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर फोर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अपने जो लूप्स के एक्सप्रेशन होते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा होता है कि जिसके अंदर हम वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू सेट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्सप्रेशन वन, उसके बाद एक्सप्रेशन टू एंड एक्सप्रेशन थ्री। ठीक है, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा कोड होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब हमारा एक्चुअल में जो सिंटैक्स है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ फोर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट आई इक्वल टू जीरो, उसके बाद मैं आई की वैल्यू चेक करूँगा कि आई की वैल्यू मेरी कहाँ तक जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि मेरी आई की वैल्यू वो फाइव के इक्वल हो और फाइव से छोटी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेस देन और इक्वल टू फाइव, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, एंड उसके बाद जो भी हमारा कोड होता है वो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड मैं क्या प्रिंट करवाऊँगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई इज, और यहाँ पे मैं आई को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, अब इस लूप में क्या होगा, सबसे पहले इस लूप ने क्या किया, आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, मतलब यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू है जीरो। ठीक है, उसके बाद वो इस लूप के अंदर गया वैल्यू ऑफ आई के अंदर, तो उसने यहाँ पे प्रिंट करवाया जो हमारी वैल्यू है आई की। ठीक है, तो आई की वैल्यू इस केस में क्या थी, जीरो थी। ठीक है, उसके बाद ये वापस से गया इस केस के अंदर, तो यहाँ पर इसने आई को वन से इंक्रीमेंट किया एंड फिर चेक किया कि आई क्या हमारा फाइव से लेस देन है या इक्वल टू है। तो इस केस में उसको क्या मिला, आई की वैल्यू वन हो गई थी इंक्रीमेंट हो गए, तो उसको यहाँ पे चेक किया तो इसने वन प्रिंट करवाया। ठीक है, तो वन के बाद इसने ये कंडीशन चेक की तो यहाँ पे इसने वन प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही फिर ये नेक्स्ट टाइम का, यहाँ पे इसने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया वन से, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, टू हो जाएगी, तो इसने यहाँ पर चेक किया कि आई की वैल्यू फाइव से लेस देन है या नहीं है। तो इस केस में हमारी जो आई की वैल्यू है वो लेस देन थी फाइव से। ठीक है, तो उसने आई की वैल्यू को नेक्स्ट टाइम यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, और जैसे ये वन बाय वन
प्रोसेस हमारी होती गई। लास्ट में क्या हुआ कि इसको यहाँ पे मिल गया 5, ठीक है। 5 मिलते ही इसने क्या किया, इसके साथ चेक किया कि क्या हमारी 5 की जो i की वैल्यू है वो 5 के इक्वल है या फिर इससे लेस देन है। तो इसने यहाँ पे क्या रिटर्न किया, 5 = 5, ठीक है। तो इसने ट्रू रिटर्न किया, तो यहाँ पे इसने i की वैल्यू 5 है वो प्रिंट करवा दी। लेकिन नेक्स्ट टाइम इसने क्या किया, जब ये यहाँ पे गया इसने i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब i की वैल्यू कितनी होगी, 6। अब i की वैल्यू क्या हमारी 5 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है या लेस देन है, ठीक है। तो इस केस में हमारी i की वैल्यू ग्रेटर देन थी 5 से, ठीक है। तो इसने इस लूप को यहीं पे रोक दिया और आगे का कोड है वो वहाँ पे चला जाएगा फिर, ठीक है। सेव करके अपने ब्राउज़र के अंदर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या प्रिंट करवाया, वैल्यू ऑफ i इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 6 इसने प्रिंट नहीं करवाया क्योंकि जैसे इसने इंक्रीमेंट किया तो उसको वहाँ पे वैल्यू उसकी 5 से ग्रेटर देन मिली, तो इसने इस लूप को यहीं पे रोक दिया, ठीक है। तो आई होप जो फोर लूप होता है वो हमारा कैसे यूज करते हैं हम वो आपको समझ आया होगा। इसको हम एरे के साथ भी यूज करते हैं। एरे के साथ कैसे यूज करते हैं देखो अभी करके दिखाता हूँ। मान के चलो मेरा एरे है लेट एरे इक्वल, और इसके अंदर मैं वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, एरे की लेंथ निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे निकालता हूँ लेंथ। एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं हम, एरे डॉट लेंथ से, ठीक है। तो यहाँ पे एरे की लेंथ हम देखते हैं कितनी आई, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ एरे की लेंथ और यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, तो एरे की लेंथ हमारी हुई 6, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फोर लूप का यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 4। उसके बाद मैं यहाँ पे लेट i को मैं यहाँ पे इस केस में करता हूँ 0, क्योंकि हमारा एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ i इज लेस देन लेंथ, क्योंकि लेंथ हमने एरे की निकाल ली। उसके बाद मैं i को प्लस प्लस करूँगा एंड यहाँ पे कंसोल लॉग करवाता हूँ। सबसे पहले हमारा आएगा एरे, फिर किस इंडेक्स की वैल्यू मेरे को प्रिंट करवानी है, उसका आई इंडेक्स की वैल्यू मेरे को प्रिंट करवानी है। सबसे पहले क्या आएगा, आई इक्वल 0, तो ये क्या करेगा, जो 0 इंडेक्स पे एरे के अंदर वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। 0 इंडेक्स पे क्या है, 1। उसके बाद इसने चेक किया आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, यहाँ पे 1 आया, तो एरे के 1 इंडेक्स पे कितनी वैल्यू है, 2, फिर 3, सॉरी यहाँ पे फिर 4 पे चला गया, फिर 6, फिर 64, ये ऐसे यहाँ पे जाता जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करके अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसने एरे के जितने भी एलिमेंट थे वो हमारे 1 by 1 प्रिंट करवा दिए, और वो हमारा बस कितने 3 लाइन ऑफ कोड से हमने कर लिया। लेकिन अगर हम इसको मैनुअली प्रिंट करवाते तो हम क्या करते, एरे का पहले फर्स्ट इंडेक्स से जो वैल्यू वो निकालते, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हम जो फोर लूप का यूज है एरे के अंदर मेनली हम करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारे फोर लूप का क्या सिंटैक्स है और उसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं इस कोड को कर लेता हूँ कमेंट आउट, और उसके बाद आता है हमारा व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप भी ऐसे ही होता है हमारा, यहाँ पे देखो इसका व्हाइल लूप का सिंटैक्स हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम while लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, जैसे हम if else के अंदर लिखते थे, ठीक है। if else हमने पीछे के जो इस कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट है, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर if else को देखा था, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद जो भी हमारा कोड होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कमेंट एंड अब स्टार्ट करता हूँ अपना व्हाइल का कोड लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करवाता हूँ व्हाइल आई इज लेस देन 6, ठीक है, और ये प्रिंट करवाता रहे आई को, साथ में ये क्या करे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई को इनिशियलाइज कर लेता हूँ आई इक्वल 0 से, उसके बाद ये क्या करेगा i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लिया,
तो यहाँ पे इसने क्या दिया, रेफरेंस एरर, आई इज़ नॉट डिफाइंड। तो मैंने यहाँ पे लेट आई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो इसने आई की वैल्यू जीरो से लेके 5 तक यहाँ पे प्रिंट करवा दी। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करता 1 से, तो ये क्या करेगा, इसको इन्फिनिटी लूप के अंदर चला देगा, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी जो हमारे 6 से लेस देन है। तो इस केस में ये देखो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे सेव करके आता हूँ, ये इसने आई की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट करता चला गया, ठीक है। सो ऐसे हमें कभी भी नहीं करना, वरना हमारा जो ब्राउज़र वो हैंग हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब ये इस लूप के अंदर फंस गया, मेरा ब्राउज़र भी यहाँ पे हैंग हो गया, ठीक है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा भाई, रुक जा, इसको मैं पोर्ट को करता हूँ बंद। इस ब्राउज़र को मैं वापस से दोबारा चलाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो ब्राउज़र है वही इन्फिनिटी लूप के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये गलती हमें कभी भी नहीं करनी है कि हम अगर वैल्यू वाही लूप के अंदर चला रहे हैं या किसी लूप के अंदर चला रहे हैं, अगर उसको इंक्रीमेंट ना करें, क्योंकि हर टाइम वो क्या करेगा, उस वैल्यू को चेक करता जाएगा, वो वैल्यू हमारी उससे लेस देन होती जाएगी और वो वहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा एंड वो हमारा इन्फिनिटी लूप के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो हमने व्हाइल लूप का ऐसे सिंटैक्स देख लिया, और इसको किस कंडीशन में और कब यूज करना वो भी हमने देख लिया। उसके बाद आता हमारा डू व्हाइल लूप, लेकिन उससे पहले एक चीज़, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ देखो, आई इज 7, क्या हमारी इस कंडीशन में, इस केस में आई की वैल्यू लेस देन 6 है, नहीं, तो ये हमारा इस लूप के अंदर एंटर नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने जो भी हमारा, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, कंसोल लॉग करवाता हूँ, एंटर्ड इन व्हाइल लूप, ठीक है, सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँगा, तो यहाँ पे ये देखो वो व्हाइल लूप के अंदर एंटर नहीं किया, लेकिन हमारा जो डू व्हाइल लूप होता है वो क्या करता है, एट लीस्ट 1 टाइम तो वो उस स्टेटमेंट को रन करता है, चाहे वो वैल्यू ट्रू रिटर्न करे या फॉल्स रिटर्न करे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं डू व्हाइल के लिए एक कंडीशन बना लेता हूँ, डू व्हाइल लूप हमारा ऐसे होता है। उसके बाद के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो कोड है वो चला जाएगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद हमारी लास्ट में जो कंडीशन होती है वो हम ऐसे यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ, लेट नम इक्वल 5, ठीक है। उसके बाद जो डू व्हाइल का सिंटैक्स है वो लिखता हूँ, एंड यहाँ पे लिखता हूँ नम इक्वल टू 10, तब ये इस कंसोल को प्रिंट करवाए, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, एंड मैं यहाँ पे नम करवाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस नम को 1 से इंक्रीमेंट भी कर लेता हूँ, ताकि ये इन्फिनिटी लूप के अंदर ना चला जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, नम मैंने 5 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने चेक किया कि नम की वैल्यू क्या लेस देन 10 है, तो ये लेस देन यहाँ पे तो 10 ट्रू आ जाएगा इसमें, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 4, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या हुआ कि इसने डू के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो रन किया, यहाँ पे इसने कंसोल को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद इसने नम को 1 से इंक्रीमेंट किया, तो नम की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 6 हो गई, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे चेक किया, तो 6 की वैल्यू क्या लेस देन 4 है, नहीं, तो इसने क्या किया, इस लूप को एग्जिट कर दिया, और जो बाकी का कोड हो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर आता हूँ, तो देखो इसने एट लीस्ट 1 टाइम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, क्योंकि हमने इस केस में यहाँ पे यूज किया है डू व्हाइल लूप को, ठीक है। तो व्हाइल और डू व्हाइल लूप के अंदर हमारा इतना सा डिफरेंस है कि हमारा व्हाइल जो लूप है वो एक बार कंडीशन को चेक करता, उसके बाद उसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करता है, लेकिन हमारा जो डू व्हाइल लूप होता है वो एट लीस्ट 1 टाइम तो उस स्टेटमेंट को रन करेगा, चाहे वो ट्रू रिटर्न करे या फॉल्स रिटर्न करे, लेकिन उसके बाद फिर वो कंडीशन चेक करता है एंड उस कंडीशन के बेस पे फिर वो आगे का जो स्टेटमेंट है वो रन करता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर लूप क्या होते हैं, उसके बाद व्हाइल लूप क्या होते हैं, और डू व्हाइल लूप क्या होते हैं, ठीक है, और इनको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो
आज के वीडियो के लिए इतना ही। जो ये सिंटैक्स है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर बाय एनी चांस आपने इस वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ओपन करके इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड यहाँ पे क्लिक करके बुकमार्क कर लेना। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाई।